राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टुकला में प्राचार्य श्रीमती नकेश साई की अध्यक्षता में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 5वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह व विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष बाम्बू ने शिरकत की। 5वें दिन के शिविर में स्वयं सेवकों ने लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बीडीपीओ विनय प्रताप सिंह ने कहा कि जीवन में विद्यार्थियों को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, छात्रों को समय सारणी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए ताकि वे अपना काम समय पर सही ढंग से कर सके। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक इन शिविरों के माध्यम से समाज सेवा जैसे गुण सीखते हैं जिससे समाज में सेवा भावना को बढ़ावा मिलता है। खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष बाम्बू ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जिससे छात्र हर कार्य में निपुण बनता है। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी सतीश कुमार, सूरज भान, संदीप सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन बंशीलाल गुज्जर, खेमचंद, प्रवीण कुमार, विनोद सोनी, सुभाष, दयानंद, कृष्ण, उत्तम, इंद्रजीत, मैडम शारदा सहित अनेक अध्यापक मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी के दिशा निर्देशानुसार जिला पुलिस ने नशे में के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने भट्टुकला में कार सवार 2 युवकों को भारी मात्रा में डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 53 किलोग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद किया है। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम मुकेश कुमार उर्फ धोड़िया निवासी बनमंदोरी व भूपेंद्र सिंह उर्फ मड्डा निवासी नजदीक प्राचीन हनुमान मंदिर भट्टुकला बताया। दोनों के खिलाफ थाना भट्टुकला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने सप्लायर को तलाश करनी शुरू कर दी है। एंटी नारकोटिक पुलिस टीम एएसआई महेंद्र के नेतृत्व में नशीले पदार्थ की रोकथाम को लेकर गश्त कर रही थी। टीम जब भट्टुकला के लुधेसर चौक होते हुए रेलवे पुल के नीचे उतरी तो पुल के एक तरफ कार खड़ी दिखाई दी। पुलिस टीम को देखकर कार चालक घबरा गया और कार को रेलवे लाइन की तरफ भगा दिया। शक के आधार पर पुलिस टीम ने उसका पीछा कर कुछ ही दूरी पर काबू कर लिया। पुलिस ने कार को घेर कर पाया कि उसमें 2 युवक सवार थे। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ कर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 40,000 रुपए की नकदी, कार में से 3 प्लास्टिक कट्टे बरामद हुए। इन कट्टों खोल कर देखा गया तो उनमें 53 किलो कचरा डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में युवकों ने बताया कि बरामद हुए पैसे उन्होंने डोडा पोस्त बेचकर कमाए हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 1 दिन के लिए रिमांड पर लिए जाएंगे।